प्रमुख रबी फसलों में शुमार खेसारी दाल। इसका खाने का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। लोगों के बीच खेसारी दाल की लोकप्रियता इतनी रही कि इसे गरीबों का दाल तक कहा जाता था। लेकिन 1961 में खेसारी दाल की खेती को प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसका मुख्य कारण है खेसारी दाल में पाए जाने वाला एक हानिकारक रसायन ओपेड एसिड की उपस्थिति होना। समय बीतने के साथ भी आम लोग आज भी खेसारी दाल या खेसारी साग का स्वाद नहीं भूल पाए। लोगों के बीच खेसारी की लोकप्रियता को देखते हुए वैज्ञानिकों ने खेसारी की कुछ ऐसी किस्मों को विकसित किया है जिसमें मौजूद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक रसायन की मात्रा को लगभग नगण्य कर दिया गया है। बिहार के किसानों के लिए अब अच्छी खबर है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और जैव प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान में संचालित परियोजना बायोटेक किसान हब प्रोजेक्ट के द्वारा खेसारी की दो किस्में रतन और प्रतीक की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यानी अब न तो खेसारी की खेती पर रोक है और न खाने पर। ऊपर से परियोजना द्वारा खेसारी की इन किस्मों को लगाने पर मदद भी दी जा रही है। खेसारी परंपरागत रूप से बिना कोई ज्यादा खर्च या मेहनत से उपजाई जाने वाली दलहनी फसल है। इसकी नई किस्म रतन और प्रतीक की खेती पहले की तरह ही आसान है। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि खेसारी की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। खेसारी की शुद्ध फसल की खेती के लिए धान की कटाई के तुरंत बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई करने के बाद कल्टीवेटर से दो बार जुताई कर पाटा चला दें। वहीं पैरा फसल आप लगा रहे हैं तो जुताई की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि बताया गया कि रतन और प्रतीक इन दो किस्मों को किसानों को लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। रतन, जिसकी पकने की अवधि 105 से 115 दिन है, इसकी औसत उपज 14 से 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसका बड़ा दाना होता है और नीला फूल होता है। वहीं प्रतीक, जिसकी पकने की अवधि 110 से 115 दिन है, वहीं औसत उपज 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसका दाना छोटा होता है। खेसारी की बुआई की बात करें तो धान की कटाई के बाद खेसारी की शुद्ध फसल की बुआई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच कर देनी चाहिए। पैरा फसल के लिए खेसारी के बीज को धान की कटाई से पहले खड़ी फसल में ही बुआई कर दें। साधारण बुआई के लिए पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इसके लिए 40 से 45 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर उपयुक्त होता है। पैरा फसल के लिए 70 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की जरूरत पड़ती है। बीज जनित रोगों से बचाने के लिए बुआई के एक दिन पहले थीरम या कैप्टॉन 2.5 ग्राम या कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर लेना चाहिए। इसके पश्चात बीजों को राइजोबियम से भी उपचारित कर लेना चाहिए। खेसारी की अच्छी फसल लेने के लिए खेत की अंतिम जुताई के समय करीब 20 किलोग्राम यूरिया और 40 किलोग्राम पोटास या 100 किलोग्राम डीएपी प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला देना चाहिए। अगर किसी कारणवश बुआई के समय उर्वरक नहीं डाला गया तो पुष्पन यानी कि फूल आने के पहले या फिर फूल आने के 10 दिनों के बाद यूरिया या डीएपी घोल का छिड़काव कर देना चाहिए। खेसारी में साधारणतया सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अत्यधिक नमी की कमी हो जाए तो ऐसी स्थिति में 60 से 70 दिन के बाद एक सिंचाई कर देनी चाहिए।
खेसारी की फसल को 25 से 30 दिनों के बाद हाथ से एक बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। अत्यधिक खरपतवार की समस्या होने पर पेंडामिथालिन 30 ईसी की 3 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के उपरांत अंकुरण से पहले छिड़काव करनी चाहिए। खेसारी की फसल में कभी कभार भुआ पिल्लू या लाही की समस्या देखी जाती है। इसकी रोकथाम के लिए डाइमेथोएट 30 ईसी दवा को 8 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम की दर से बुआई करने से पहले बीज में ही मिला दें, इसके बाद बुआई करें। अगर फसल पर लाही का प्रकोप देखा जाए तो इसकी रोकथाम के लिए डाइमेथोएट 30 ईसी दवा का 1.5 लीटर या इमिडाक्लोप्रिड का 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करनी चाहिए, या इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL का 250 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करनी चाहिए। फलियों के पकते ही पौधा सूखने लगता है, उसी समय फसल की कटाई करनी चाहिए। इसके बाद फलियों को सुखा लें और दाना को अलग कर लें। इसके बाद दाने को सुखाकर ही भंडारित करें। पहले हम लोकल वैरायटी लगाते थे, पुराना वैरायटी, और अब इस साल ही मिला है खेसारी का प्रोजेक्ट करने के लिए, और दोनों में स्वाद में भी अंतर है। दूसरी चीज़ है कि इसमें कल्ला बहुत ज़्यादा होता, उसमें कल्ला नहीं उतना निकल पाता, और फिर पैदावार तो अभी कुछ ही मिनट में आपके सामने थ्रेसिंग भी हो जाएगी। पुराने वाले वैरायटी में होता था क्या कि 4 दाना से 5 दाना होता था, इसमें किसी किसी में 7 दाना, जबकि स्वाद में भी बहुत अंतर हो जाता है। कुछ कुछ चना का जैसा भी इसमें स्वाद है, और उसमें लोकल वाला में होता है कि कुछ में हरियाई, मैंने हरा जैसे बोलते हैं ना कि जिस ढंग से हल्दी खाते हैं तो हरियाई ना लगता। इसको तो हम सोचते हैं कि पैकेटिंग में कर करके पैकेट में करके मार्केट में भी सेल किया जाए, कारण जब रोग मुक्त है तो ऐसे भी करना भी ज़रूरी है, और सब लोग चाव से खाएंगे। कोई भी चाहेगा कि बीमारी थोड़े ले, सब तो बिना बीमारी मुक्त होना चाहते हैं। इस प्रकार अगर आप खेसारी की इन दो किस्मों रतन और प्रतीक की वैज्ञानिक खेती करते हैं तो निसंदेह आपको बेहतरीन उपज प्राप्त होता है, और साथ ही देश में दाल की कमी को पूरी करने में मदद मिलती है।